अब हम लोग विक्टोरिया डैम, जो कि भीमताल पर बनाया गया है, उसकी ओर जा रहे हैं। मेरे साथ महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि नोएडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं और उनकी सुपुत्री हैं। अब हम लोग भीमताल के करीब पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है वह भीमताल है। इसी ताल के ऊपर एक डैम भी बनाया गया है, जिसे विक्टोरिया डैम कहा जाता है। और इसी ताल के बगल में एक मंदिर भी है, जिसे भीमेश्वर मंदिर कहते हैं। इसे भीमताल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पांडवों के जो भीम थे वो यहीं पर रहे थे। और बगल में ही हिडिंबा पहाड़ी है सात ताल के पास, तो वहाँ पर हिडिंबा से उनकी मुलाकात हुई थी, फिर वहाँ उनसे विवाह हुआ था सामने लगा, और उसके बाद उनकी संतान भी हुई घटोत्कच के रूप में। तो इधर जो भीम का प्रभाव अच्छा रहा और भीम इधर लोकप्रिय रहे, उनके नाम पर ही यह ताल है। काफ़ी बड़ा ताल है यह, काफ़ी गहराई भी है इसमें। इर्द गिर्द के पहाड़ियों से यहाँ पर जल इकट्ठा होता है और काफ़ी दर्शनीय स्थल है, काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं। परंतु अभी कोरोना काल है, अभी पर्यटकों की संख्या काफ़ी सीमित है, अलाउ नहीं है, अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं इसलिए आपको देखने को मिल रही है। सामान्य सीजन में ये इनकी धर्मपत्नी है महेंद्र गुप्ता जी की, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है, खुशनुमा है। और यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा आपको पड़ेगी, ये गर्मी का दिन है, फिर भी यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा है, 20 डिग्री के आसपास सोचा है पर्ची काट दूंगा, काफ़ी अच्छा लगता है। बादल आपके एकदम नीचे आ जाएंगे, आप बादलों का स्पर्श कर सकते हैं। पर्ची काटने वाला सिस्टम यहाँ भी है क्या? आप देख रहे हैं बड़ा ताली जैसे ड्राइव बंद है ना, तो क्या काटेंगे, तो सोचते हैं सब कि अनाड़ी कोई आएगा रुक जाएगा तो काट देंगे। दुकानें लगी हुई हैं, तो इस भीमताल में एक बीच में स्थान है जो कि आप किस नज़र आपको गई होगी। यह देखिए, ये डैम है, इसे विक्टोरिया डैम कहा जाता है। और बादल देख रहे हैं आप, पहाड़ी के नीचे बादल आ जाते हैं। यह विक्टोरिया डैम महारानी विक्टोरिया के नाम पर है। जब पानी अत्यधिक बढ़ जाता है तो आप ये देख रहे हैं इसे फाटक को उठा दिया जाता है। ये कई फाटक हैं, उसमें कई गेट लगे हुए हैं, तो इसको उठा देने से पानी बह जाता है, अतिरिक्त पानी, ताकि इस डैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और इसके फाटक के बगल में ही भीमेश्वर महादेव मंदिर है, तो भीम ने यहाँ पर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। अब हम लोग बोटिंग पर जा रहे हैं, यह स्थान देख रहे हैं आप, बीच में एक्वेरियम है वहाँ पर, तो अभी तो एक्वेरियम बंद पड़ा है। और इधर बोटिंग का लुत्फ लेते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोटिंग का है। यह पर्यटक सब नहीं आने की वजह से ये बोटिंग करने वाले, इनकी आजीविका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, बहुत बेचारे दुखी रहते हैं। 250 रुपये के किराए पर हम लोगों ने किया है, यह पूरा एक चक्कर लगाता है। अब ये आप देखेंगे यहाँ, ये सब जो है हंस हैं, हंस बत्तख यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। इधर के सभी तालों में हंस दिखते हैं, और ये हंस नज़दीक आ जाते हैं और फिर ये
जो पर्यटक होते हैं वे डालते हैं इनको कुछ चारा, खाते हैं। अब हम लोगों ने ब्रेड वगैरह ले लिया था, तो ब्रेड डालने से वे नज़दीक आ जाते हैं और बहुत प्रेम से ग्रहण करते हैं। यहाँ नल दमयंती का भी ताल है बगल में, और उस नल दमयंती की जो कथा है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि नल दमयंती की कथा में हंस का बहुत महत्व है। नल जो है दमयंती के पास हंस को भेज दिया करते थे, और दमयंती भी हंस के माध्यम से अपना संदेश नल को भेजती थी। तो ये नल दमयंती की कथा काफ़ी लोकप्रिय हुई है। तो यहाँ सभी तालों में आपको हंस मिलेंगे और बत्तख मिलेंगे, और अच्छी संख्या में मिलेंगे और पर्यटकों का अच्छा मनोरंजन करते हैं। ये देखिए एक्वेरियम है यह, तो यहीं दर्शक आते हैं।